हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत वेलकम है आपके अपने ही चैनल टारगेट इन फंडासी में। तो यहाँ पर इस वीडियो में आप देख रहे हैं फैनकोट ECS T10 लेंस कोरोना 2022 का जो 29th और 30th मैच खेला जाने वाला है। यहाँ पर UCC वर्सेस MAM के बीच, मतलब यूनाइटेड वर्सेस मेलबाउस के बीच, तो उसके मैच प्रीव्यू, तो दोनों मैच का प्रीव्यू हम यहाँ पर आपको दिखाने वाले हैं। सबसे पहले देख लीजिए, यहाँ पर आपको डेट टाइम वेदर वेन्यू के बारे में जानकारी दी जाएगी। यहाँ पर पिच रिपोर्ट क्या रहेंगे, यहाँ पर एवरेज स्कोर क्या बनता है, ग्राउंड डायमेंशन कैसा रहता है, लास्ट मैच में जिसकी स्टैट्स, साथ में यहाँ पर लास्ट टोटल कितने मैचेस खेला गया है, कितने यहाँ पर बैटिंग फास्ट करने वाली टीम ने जीता, कितने यहाँ पर बैटिंग सेकंड करने वाली टीम ने जीता, ये भी हम आपको यहाँ पर बताने वाले हैं। साथ में यहाँ पर आज की मैच प्रेडिक्शन के बारे में बात करेंगे। दोनों टीम के प्रोबेबल प्लेइंग एक्सेल यहाँ पर किया रहेंगे, उसके साथ रिसेंट प्लेयर परफॉर्मेंस क्या रहने वाला है, कौन कौन से प्लेयर यहाँ पर आपके लिए स्मॉल लीग पर अच्छा रहने वाला है, कौन कौन से प्लेयर आपके लिए स्मॉल लीग पर अच्छा रहने वाला है, कौन कौन से प्लेयर आपके लिए ग्रैंड लीग्स पर अच्छा रहने वाला है, तो सारे बात हम यहाँ पर डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। और स्मॉल लीग का कैप्टन शेयर वाइस कैप्टन के बारे में भी हम बात करने वाले हैं। तो चलिए, यहाँ पर वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखिए, ताकि एक एक बात आपको समझ आए और आप एक अच्छी टीम बना पाए। तो सबसे पहले आपको एक बात और बता दूँ कि देखिए, अगर आपको फाइनल टीम चाहिए जो जिस टीम के साथ हम खेलते हैं, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ ज्वाइन होना पड़ेगा। आप टेलीग्राम ऐप पर जाइए, वहाँ पर @TargetFantasy लिख के सर्च कीजिए, आपको 170 प्लस सब्सक्राइबर वाले नए और फ्रेश चैनल मिल जाएंगे, वो चैनल को आपको ज्वाइन कर लेना है। अगर आपको लिंक चाहिए तो लिंक मिल जाएगा आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर। आप वहाँ पर चले जाइए, जाके वहाँ से लिंक में क्लिक करके आसानी के साथ वहाँ पर भी आप ज्वाइन हो सकते हो। तो देर किस बात की, अभी के अभी ज्वाइन हो जाइए हमारे चैनल पर। तो मैच की तरफ चलते हैं। यहाँ पर देख लीजिए, यूनाइटेड वर्सेस मेलबोर्न का भी ये मैच खेला जाने वाला है। कल दो मैच है, एक है दोपहर को 12:30 बजे और दूसरा है यहाँ पर दोपहर को 2:30 बजे। थोड़ा सा यहाँ पर क्लाउडी वेदर रहने वाला है, अगर बारिश के कोई चांसेस आए तो हम आपको टेलीग्राम पर इन्फॉर्म कर देंगे। लेंस कोना क्रिकेट क्लब स्टेडियम पर ये मैचेस खेला जाने वाला है। पिच रिपोर्ट की बात करें, यहाँ पर बैलेंस पिच रहेगा, मतलब यहाँ पर आप एवरेज स्कोर देखें तो 100 से लेकर 112 तक एवरेज स्कोर बनता है। साथ में यहाँ पर विकेट्स भी निकलते हैं, मतलब हर इनिंग्स में यहाँ पर 6-7 विकेट आप मान के चलिए निकलते हैं। साथ में यहाँ पर 100 रन भी बनते हैं, मतलब प्लेयर्स रन्स भी करता है और बॉलर विकेट भी लेता है। लास्ट 5 मैचेस की बात करें, यहाँ पर देखिए एवरेज टोटल स्कोर बना है 100 और एवरेज फर्स्ट इन स्कोर भी बना है 100, तो इसलिए यहाँ पर 100 तक स्कोर जा सकते हैं, ये आप मान के चलिए। लास्ट टोटल 28 मैच खेला गया है, उनमें से बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम ने 10 जीता और चेसिंग करने वाली टीम ने 18 जीता। तो यहाँ पर इस ग्राउंड को आप एक चेसिंग ग्राउंड मानकर चलिए। तो यहाँ पर क्या होता है, जैसा कि आपने देखा होगा पहले ही, ECS T20 पर ज़्यादातर क्या होता है, एक ग्राउंड होता है, उतना ऑर्गेनाइज नहीं रहता है। कभी कभी तो मतलब ऐसे ही ग्राउंड होता है जहाँ पर मैट बिछाकर भी खेला जाता है, तो यहाँ पर वैसा ग्राउंड नहीं है, थोड़ा सा ऑर्गेनाइज्ड है। तो यहाँ पर आपको एक प्रॉपर ग्राउंड देखने को मिलेंगे, जहाँ पर बाउंड्री डायमेंशन थोड़ा सा छोटा रहेंगे, क्योंकि देखिए T10 लीग पर ज़्यादातर चौके छक्के देखने के लिए यहाँ पर ग्राउंड डायमेंशन छोटा कर दिया जाता है, तो यहाँ पर भी ऐसा ही होने वाला है। और आज की मैच प्रेडिक्शन की बात करते हैं, यहाँ पर UGC की टीम यहाँ पर 30% विनिंग चांसेस है, जहाँ पर MAM की टीम यहाँ पर 70% विनिंग चांसेस, क्योंकि MAM की टीम का स्ट्रेंथ बहुत ही ज़्यादा है UCC के तरफ से। बात करते हैं यहाँ पर रिसेंट प्लेयर परफॉर्मेंस विथ प्रोबेबल प्लेइंग एक्साइज विथ कन्फर्मेशन ऑफ बैटिंग ऑर्डर। देख लीजिए यहाँ पर UCC की तरफ से क्या रहने वाला है। सगर करें, यहाँ पर विकेट कीपिंग ऑप्शन को मिल जाएंगे, ओपनिंग करेंगे मुजम्मल अली के साथ। नंबर 3 पर आएंगे यहाँ पर राशिद महमूद, कैप्टनसी कर रहे हैं अपनी टीम के लिए। 4 नंबर पर आएंगे इसरार खान। नंबर 5 पर लतीफ सुलेरी। 6 नंबर पर विवेक कुरूप। नंबर 7 पर इफान अफजल। नंबर 8 पर मुर्तजा सरजात। 9 नंबर पर रोहित कुमार। नंबर 10 पर उस्मान मुगल। नंबर 11 पर W हसन। तो यहाँ पर थोड़ा सा स्टैट्स की बात करें तो विकेट कीपिंग ऑप्शन जो है सागर करे की बात करें, 0 रन और 6 रन बनाए 2 मैचों में, उतना अच्छा नहीं रहे। मुजम्मल अली की बात करें, 15 और 2 रन बनाए हैं। राशिद महमूद 0 रन 41 रन, साथ में 3 विकेट भी निकाला। इसरन खान की बात करें, यहाँ पर देखिए 14 रन और 37 रन। लतीफ सुलेर की बात करें, 8 रन बनाए लास्ट मैच में। विवेक कुरू की बात करें, लास्ट मैच में 8 रन बनाए हैं। इफ्जान अफजल 4 रन 1 रन, उतना अच्छा नहीं रहे बैटिंग में, देखिए लेकिन विकेट में यहाँ पर देखिए लास्ट 2 मैच में 2 विकेट और 1 विकेट निकाला है, टोटल 3 विकेट निकाला है लास्ट 2 मैचों में। मुर्तजा सरजत की बात करें, यहाँ पर लास्ट में 5 रन बनाए, उतना अच्छा नहीं रहने वाला है आपके लिए। रोहित कुमार की बात करें, 0 रन के साथ साथ यहाँ पर 1 विकेट भी निकाला। उस्मान मुगल 1 विकेट निकाला और W हसन की कोई कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं रहा। तो बात करते हैं यहाँ पर कौन कौन से प्लेयर आपके लिए इस मैच में अच्छा रहने वाले हैं स्मॉल लीग पर। राशिद महमूद है, इसरार खान है, इरफान अफजल है, रोहित कुमार है, उस्मान मुगल है, साथ में यहाँ पर सागर करीर है। तो ये 6 प्लेयर्स आपके लिए यहाँ पर अच्छा रहने वाला है UCC की तरफ से। चलते हैं यहाँ पर MAM की तरफ से प्रॉब्लम प्लेइंग से क्या रहेंगे। यहाँ पर धीरज मल्होत्रा ओपनिंग करेंगे रिजवान तरार के साथ। अनिक गुप्ता यहाँ पर नंबर 3 पर आएंगे, जो कि अपने टीम के लिए कैप्टनसी कर रहा है।
संबित पटनायक, नंबर चार पर रंजेंगे, नंबर पाँच पर देखिए संदीप मलेरी, छः नंबर पर प्रसन्नजीत बेरा, नंबर सात पर अदम सरतेन, नंबर आठ पर बर्जुन विनोद, विकेट कीपरिंग ऑप्शन पर आपको देखने को मिलेंगे, नंबर नौ पर सदाशिव गौर, नंबर दस पर एस खरीनर, नंबर ग्यारह पर यहाँ पर सेरो नॉट। तो थोड़ा सा स्टैट्स की बात करते हैं, देख लीजिए धीरज मल्होत्रा है लास्ट चार मैच में 48 रन 7 रन 27 रन और 27 रन, अच्छे टच पर है, मतलब आपके लिए बहुत ही बड़े ऑप्शन रहने वाले हैं यहाँ पर, तो इसलिए आपके लिए मास्ट पिक रहने वाले हैं। देख लीजिए और दो विकेट भी निकाला लास्ट दो मैच में, तो इसलिए बैटिंग बॉलिंग दोनों ऑप्शन से आपको कंट्रीब्यूट करते हुए देखने को मिलेंगे। धीरज मल्होत्रा आपके लिए मस्ट पिक रहने वाले हैं और एक अच्छी कैप्टनसी के भी चॉइस रहने वाले हैं। रिजवन तरफ की बात करें लास्ट चार मैचों की स्कोर देख लीजिए 3, 16, 12 और 21। अनिक गुप्ता की बात करें कैप्टनसी की चॉइस है 7, 21, 11 और 12, चार स्कोर चार मैच में ऐसा स्कोर किया है। संबित पटनायक की बात करें लास्ट दो मैचों में यहाँ पर 0-0 पे आउट हुए, उसके पहले यहाँ पर देखिए 44 और 17 रन बनाए हैं। संदीप मलिक की बात करें 12 रन 16 रन 30 रन और 12 रन किया है, थोड़ा सा अच्छे टच पर है लेकिन इनिंग्स को कन्वर्ट नहीं कर पा रहा है और एक विकेट भी निकाला। प्रसन्नजीत बेरा की बात करें यहाँ पर देखिए लास्ट मैच में 8 रन किया, उसके साथ यहाँ पर लास्ट दो मैचों में एक एक करके टोटल 2 विकेट निकाला। अदम सरतेन की बात करें 4 विकेट निकाला लास्ट मैच में। वर्जुन विनोद 6 रन बनाया लास्ट मैच में। सदाशिव गौर यहाँ पर लास्ट मैच में 1 विकेट निकाला। एस खरीनर अभी तक कोई कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं रहा, 7 रन आउट की बात करें लास्ट में 3 रन किया। तो फिलहाल देख लीजिए एमएम की तरफ से कौन कौन से प्लेयर आपके लिए अच्छा चॉइसेस रहने वाला है। धीरज मल्होत्रा, रिजवन तारर, संबित पटनायक, संदीप मलेडी, प्रसन्नजीत बेरा, अदम सरतेन, सदाशिव गौर, तो यहाँ पर ये 7 प्लेयर्स आपके लिए अच्छा पिक रहने वाला है। इनमें से ही आपको 4, 5, 6, 7 जितने कॉम्बिनेशन बनाना चाहिए आप उतने ले लेंगे यहाँ पर। अभी बेंच में रह गए एमएम की तरफ से वर्जुन विनोद है, नाज मांडी है, आशीष राजपूत है। तो चलते हैं यहाँ पर स्मॉल लीग की तरफ से देख लीजिए, तो यहाँ पर हमने थोड़ा सा एक गलत कर दिया, जगह देखिए यहाँ पर वर्जुन विनोद एक सही में है तो यहाँ पर नहीं रहने वाले बेंच पर। चलते हैं स्मॉल लीग की ऑप्शन देख लीजिए, यहाँ पर धीरज मल्होत्रा, रशीद महमूद और संबित पटनायक, तो ये 3 ऑप्शन आपके लिए स्मॉल लीग का कैप्टन और वाइस कैप्टन के चॉइसेस रहने वाले हैं। ग्रैंड लीग पिक में थोड़ा सा देख लीजिए, यहाँ पर अडम सरतेन है, रिजवान अशरफ है, इफ्जान अफजल है, वर्जुन विनोद और इशरत खान, ये 5 प्लेयर्स आपके लिए ग्रैंड लीग पिक्स में अच्छा रहने वाले हैं। तो आपको ग्रैंड लीग्स पर कैसा करना चाहिए आप एक बार देख लीजिए। अगर आप 20 टीम बनाकर यहाँ पर ग्रैंड लीग खेल रहे हो तो आपको वहाँ पर सबसे पहले ध्यान देना चाहिए कोई भी स्मॉल लीग का जो सेफ प्लेयर्स है वो आपके टीम से ना छूटे, मतलब ड्रॉप नहीं करना चाहिए आप उनको। लेकिन आप पहले 11 प्लेयर्स को लेकर अच्छा सा स्मॉल लीग का टीम बनाओ, फिर आपको वहाँ से 1, 2, 3 आप जितना चाहे लेकिन 3 के अंदर प्लेयर्स को यहाँ पर रोटेशन करना है 20 टीम के अंदर। जैसे कि आप मान लीजिए यहाँ पर आप एक टीम पर सारे सेफ प्लेयर्स को ले लिए, उसके साथ यहाँ पर इन 3 प्लेयर में से कैप्टन बचकर बना दिए, उसके बाद आपको क्या करना चाहिए, यहाँ पर जो 5 प्लेयर्स हमने लिख के रखा इनमें से 2 को, जैसे कि मान लीजिए सरतेन और अशरफ है, एक टीम पर रोटेशन कर दिए कोई 2 स्लिप प्लेयर्स को सेफ प्लेयर्स को बाहर करके, और दूसरे नंबर पर आपको यहाँ पर वर्जिन विनोद और अफजल को इन करके यहाँ पर सरतेन और अशरफ को बाहर कर दिए। तो ऐसे करके आपको ज़्यादा से ज़्यादा कॉम्बिनेशन बनाकर ग्रैंड लीग ज्वाइन करना है, क्योंकि देखिए ग्रैंड लीग्स पर कॉम्पिटिशन बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया है, तो इसलिए आपके पास जितना कॉम्बिनेशन रहेंगे अलग अलग कॉम्बिनेशन रहेंगे उतना ही आपको जीतने की चांसेस बढ़ जाएंगे। तो इसलिए आपको ग्रैंड लीग में अगर जीतना है तो ज़्यादा से ज़्यादा कॉम्बिनेशन बनाना है, ज़्यादा से ज़्यादा प्लेयर्स को स्वाइप करना है एक टीम से दूसरी टीम, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा नहीं, जो रोटेशन करना है 1 से 2 प्लेयर्स वो पक्का होना चाहिए, लेकिन उसमें सेफ प्लेयर्स भी होना चाहिए जिसको आप नहीं छोड़ रहे हो, मतलब जिसको सारे लोग ले रहा है। तो ऐसे करके आपको ग्रैंड लीग का कॉम्बिनेशन बनाना है। तो फिलहाल ये गई स्टेट्स एनालिसिस की बात, अभी चलते हैं डीमन की तरफ, वहाँ पर हमने एक स्मॉल लीग का डेमो टीम बनाएंगे, साथ में थोड़ा सा ग्रैंड लीग के डिस्कस भी कर लेंगे, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ डेमो टीम रहने वाले हैं, फाइनल टीम आपको मिल जाएंगे आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर। तो आप जाइए वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर लिंक मिल जाएंगे, वहाँ से आप ज्वाइन हो सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल पर। अभी देर ना करके हमारे चैनल के साथ अभी ज्वाइन हो जाइए। चलते हैं डीमन की तरफ, देखिए विकेट कीपर ऑप्शन आपको 4 प्लेयर्स मिल जाएंगे यहाँ पर, एस करीर, वी विनोद, ए गुप्ता और डब्ल्यू हसन, तो यहाँ पर हमारे टीम पर रहने वाले ए गुप्ता, बाकी 3 प्लेयर्स आपके लिए ग्रैंड लीग के अच्छा चॉइस हो सकते हैं। डी मल्होत्रा, एस पटनायक और यहाँ से आई खान, जो कि 3 प्लेयर्स यहाँ पर बैटिंग ऑप्शन पर बिल्कुल सेफ ऑप्शन के तौर पर यहाँ पर रहने वाले हैं। आप चलते पर एस नॉट, वी कुरूप और एस खरीनर को बिल्कुल ग्रैंड लीग पर ट्राई कर सकते हैं। ऑलराउंडर ऑप्शन की तरफ चलते हैं, यहाँ पर देख लीजिए आर महमूद, एम अली, आर अशरफ, उसके साथ यहाँ पर एस मलरी, जो 4 टॉप ऑलराउंडर यहाँ पर हमारे टीम पर रहने वाले हैं। आपको एक बात ध्यान में रखना पड़ेगा कि देखिए टी टेन लीग्स पर आपको जिताएंगे ऑलराउंडर ही, क्योंकि देखिए ऑलराउंडर यहाँ पर बैटिंग बॉलिंग दोनों तरफ से यहाँ पर आपको पॉइंट्स दे सकते हैं। देखिए अगर बैटिंग में फ्लॉप हुए तो आपको बॉलिंग से अच्छा करते हुए देखने को मिलेंगे, अगर बॉलिंग में फ्लॉप हुए तो आपको बैटिंग से अच्छा पॉइंट्स देते हुए जाएंगे। तो इसलिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा ऑलराउंडर्स को आपकी टीम पर रखना चाहिए, साथ में कैप्टन और वाइस कैप्टन भी बना देना चाहिए। तो ये गई ऑलराउंडर सेक्शन की बात, अभी चलते हैं बॉलिंग ऑप्शन की तरफ। तो यहाँ पर देख लीजिए एस सरतेन,
पी बेहरा, उसके साथ यहाँ पर आई अफजल, जो तीन टॉप ऑप्शन है हमारे टीम पर रहने वाला है। आप चाहते हैं यहाँ पर एस गौर, आर कुमार और उसके साथ यू मुगल के साथ गैन लीग पर जा सकते हो। फिलहाल हमारे टीम का जो सेफ कैप्टन रहने वाला डी मल्होत्रा, उसके साथ सेफ वाइस कैप्टन है आर महमूद। सेफ करके आपको एक बार प्रीव्यू दिखा देता हूँ, देख लीजिए। ए गुप्ता है विकेट कीपरिंग ऑप्शन पर, एस पटनायक, डी मल्होत्रा, आई खान, आर अशरफ, एस मलिड़ी, एम अली, आर महमूद, ए साटन, पी बेहरा और आई अफजल। तो यहाँ पर ये 11 प्लेयर्स हमारे स्मॉलिक का डेमो टीम पर रहने वाले हैं। कैप्टन हमारे रहेंगे डी मल्होत्रा और वाइस कैप्टन यहाँ पर आर महमूद, बिल्कुल सेफ है। आपको गैन लीग्स पर यहाँ पर कौन कौन से प्लेयर के साथ है जी कैप्टन वाइस कैप्टन जाना चाहिए, देख लीजिए। ए गुप्ता, एस पटनायक, एस मलिड़ी, आई अफजल और ए माली। तो ये पाँच प्लेयर्स आपके लिए बहुत ही अच्छा कैप्टन और वाइस कैप्टन के ऑप्शन रहने वाले हैं कहाँ पर, गैन लीग्स पर। लेकिन आपको तब क्या करना चाहिए, ये जो सेफ कॉम्बिनेशन हमने अभी आपको बताया, ये ऑप्शन को, ये कॉम्बिनेशन को रखना चाहिए। क्योंकि देखिए, अगर आप कैप्टन वाइस कैप्टन के ऊपर रिस्क ले रहे हो तो आपको प्लेयर्स को नहीं छोड़ना चाहिए। अगर आप प्लेयर्स के ऊपर रिस्क ले रहे हो तब आपको कैप्टन और वाइस कैप्टन को नहीं छोड़ना चाहिए। तो ऐसे थ्योरी मान के आपको गैन लीग से कॉम्बिनेशन बढ़ाना है। तो फिलहाल ये गई हमारा डेमो टीम, फाइनल टीम आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पर, जिसका लिंक आपको मिलेगी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। आप जाइए अभी के अभी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो पर लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर चैनल पर नए हो तो यहाँ पर सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन को भी दबा देना, ताकि आने वाले सारे वीडियो सब तक पहले पहुँच जाए। और एक अच्छा सा टीम बनाने से विनिंग कीजिए। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।